हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं फलाहारी कुरकुरे बनाने जा रही हूँ। यह कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला बहुत ही इजी डिश है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस नवरात्रि में आप इसे बनाइए और 9 दिन तक इसे आराम से खाइए। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप साबूदाना, 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, आधा चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले एक जार में साबूदाना डालेंगे और इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। साबूदाना पीस लिया है, अब एक बॉल में पिसा हुआ साबूदाना डालेंगे, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और उबले हुए आलू को मैश करके इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से आटे की तरह गूंथ लिया है। अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यह अच्छे से फूल गया है, इसे एक बार दोबारा से मिला लेंगे। अब एक नमकीन बनाने वाली मशीन लेंगे, उसमें आप अपने हिसाब से किसी भी शेप का ब्लेड लगा सकते हैं। मैं इस शेप का लगा रही हूँ। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेकर इसके अंदर स्प्रेड करेंगे। अब इसमें आलू और साबूदाना का जो ये मिश्रण है वो भरेंगे। अब गरम तेल में इस मशीन से कुरकुरे बनाएंगे और इसे तल लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम से लो रखेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। कुरकुरे फ्राई हो गया है, अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह बाकी के कुरकुरे भी फ्राई कर लेंगे। कुरकुरे तल लिया है, यह देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर पूरी नवरात्रि खा सकते हैं। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।